जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज MPPSC ने अपना जो एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट कराया, और अगर हम पेपर को देखें तो पेपर थोड़ा मॉडरेट टाइप कह सकते हैं, ना तो ज़्यादा इजी था ना तो टफ था। तो आज हम बात करेंगे कट ऑफ की, और इसके बाद हमारा डिस्कशन चालू रहेगा हमारे नॉलेज ग्रंथ का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, तो उससे आप लोग जुड़िए। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए, कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको आपत्ति लगानी है, उसके लिए कोई डेटा चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली बात उस पर कर सकते हैं। हर मैसेज का उसमें रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों, MPPSC का पेपर देखिए कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा, क्या हो सकता है वो तो कोई बता नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, अगर आपका उससे आस पास अगर आपका हो रहा है तो आप 100% मेंस के प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। अनरिजर्व के लिए अगर आपका 77 मार्क्स है तो 100% आपका चांसेस हैं क्लियर हो जाएगा। अनरिजर्व फीमेल के लिए 74, OBC के लिए 75, और SC के लिए 69, और ST के लिए 67 मार्क्स तक जा सकता है। इसके अलावा किन प्रश्नों पे आपत्ति लगने वाली इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग परेशान हो रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि एक आपको वीडियो डाल देता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा सा ये अपने निष्फिकर हो जाएं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना कट ऑफ नहीं जाएगा। और दूसरों की बातों में मत आएं कि 80 जाएगा, 82 जाएगा, 85 जाएगा या 72-73 जाएगा। तो दोस्तों, इससे कब कट ऑफ जाने की उम्मीदें नहीं है इसमें, तो प्लीज़ अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और अभी MPPSC के आंसर की आ ही जाएगी, उसके बाद आपत्ति लगाने के लिए भी आपको कुछ डेटास की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से बुकलेट्स और क्या लिया जाएगा, उसके बारे में हम दोस्तों बाद में बात करेंगे। तो अभी मैंने ये जल्दबाजी में ये वीडियो आपको डाल दिया। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, और टेलीग्राम पे मिलते हैं, ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।